भागवत कथा के अंतिम दिन ग्राम गोहरा मां पांडवा देवी मंदिर पर हुआ विशाल भंडारा। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम गोहरा 7 दिन से चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। इस भंडारे में करीबन 30,000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें करीबन 14 गांवों को धुआबंद आमंत्रण दिया गया था। इसके साथ ही सभी ब्लॉक वासियों से प्रसादी ग्रहण करने की अपील थी। इसके दौरान अलग अलग गांवों को अलग अलग चीजें परोसने का काम दिया गया। यह भंडारा करीबन सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चलता रहा। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा कथावाचक पवन कुमार शास्त्री ने बताया, प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ प्रभु, दूसरा सा का अर्थ साक्षात, तीसरा द का अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं, जो मन बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान को लगाए गए भोग बचा हुआ शेष भाग मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। ग्रामीणों ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से की गई। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने मिलकर विशाल भंडारे का आयोजन किया। आयोजन में परसने से लेकर पानी इत्यादि की व्यवस्था सराहनीय रही। संवाददाता महेश कुशवाहा।